क्या भारतीय एजेंट ने खालिस्तानी नेता की हत्या की साजिश रची? अमेरिका, कनाडा और भारत के बीच कूटनीतिक तनाव की एक नई कड़ी में भारतीय नागरिक विकास यादव का नाम एक चौंकाने वाली षड्यंत्र में आया है, जिसने तीन देशों के रिश्तों को उलझा कर रख दिया है। मैं हूं नील और आप देख रहे हैं जिफी न्यूज। विकास यादव एक भारतीय नागरिक जिस पर आरोप है कि उसने अमेरिका के न्यूयॉर्क में खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रची थी। पन्नू एक यूएस नागरिक है जो खालिस्तानी गतिविधियों में एक्टिव है और कई बार भारत के खिलाफ ऊल जलूल बयान देता है, धमकियां देता है और भारत ने उसे एक आतंकवादी घोषित कर रखा है। अब ये जो मामला है, ये मामला लगभग 11 महीने पहले शुरू हुआ जब अमेरिका ने बिना नाम लिए पन्नू की हत्या के साजिश में एक भारतीय को CC1 के रूप में संदर्भित किया था। आगे बढ़े उससे पहले विकास यादव के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। विकास यादव भारत के कैबिनेट सचिवालय में काम करते थे जो भारतीय प्रधानमंत्री कार्यालय का हिस्सा है। उन्होंने RNAW, जिसे रॉ भी कहा जाता है, उसका फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसमें एक वरिष्ठ फील्ड ऑफिसर के रूप में काम किया था। अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार यादव ने निखिल गुप्ता के नाम के एक अन्य भारतीय को पन्नू की हत्या के लिए हायर किया था। निखिल गुप्ता को पिछले साल चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह ब्रुकलिन में हिरासत में है। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल मेरिक गार्लैंड ने कहा है कि अमेरिकी न्याय विभाग किसी भी व्यक्ति को जवाबदेह ठहराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, चाहे वह कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। FBI के निदेशक क्रिस्टोफर रे ने कहा है कि अमेरिका में किसी भी प्रकार की हिंसा या दखलंदाजी को सहन नहीं करेंगे और नहीं करेंगे। इससे पहले विकास यादव ने अपना नाम बदलकर अमनत रखा था और अपने सहयोगियों के साथ प्लानिंग करते हुए पन्नू की जानकारी, जैसे उसका पता और फोन नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करी थी। इस मामले की घोषणा ऐसे समय में हुई जब भारत कनाडा के रिश्तों में तनाव बढ़ गया। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने दोबारा ये बात कही थी कि भारतीय एजेंट ही थे जिन्होंने वहां पर हत्याएं करवाई हैं। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया था कि भारतीय सरकार के एजेंटों ने कनाडा में एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की है। विकास को अब क्या सजा हो सकती है, आइए जानते हैं। अगर विकास यादव को दोषी ठहराया जाता है तो हत्या की साजिश के लिए उसे 10 साल की जेल की सजा हो सकती है और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 20 साल तक की सजा हो सकती है। भारत क्या कहता है? दिल्ली में भारत के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि यादव अब भारतीय सरकार का कर्मचारी नहीं है। इस मामले के संदर्भ में भारत सरकार का संदिग्ध लोगों से कोई भी संबंध नहीं है। तो ये थी अभी तक की रीसेंट डेवलपमेंट। आप इस मुद्दे में क्या सोचते हैं, कैसे होंगे भारत, अमेरिका और कनाडा के रिश्ते, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।